हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी एंड क्रिस्पी ब्रेड रोल। इसके लिए हमें क्या करना है, हमें आलू लेने हैं और उनको उबाल लेना है। यहाँ पे मैंने 3 से 4 आलू को उबाला था। उसके बाद उसको मैश कर उसमें बारीक काट कर हमारे जो प्याज हैं उनको डाल देना है। उसके बाद उसमें 1 चम्मच से थोड़ा सा कम नमक डालें, थोड़ी सी हल्दी, आप हल्दी को स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे 1 चम्मच चाट मसाला डाला और थोड़ी सी मैंने हरी मिर्ची डाल दी थी। इन सभी मसालों को अच्छे से डालकर उसको मिक्स करना है। ये देखिए, अच्छे से हमको धीरे धीरे इसे मिक्स करना है। और उसके बाद हमें क्या करना है, हमें लेना है ब्रेड और 1 कटोरी में पानी। अब हमें क्या करना है, हमें जो हमारा ब्रेड है उसको पानी में डिप करना है। ये देखिए, ब्रेड की चारें कॉर्नर हमें ऐसे ही डिप कर उसे अच्छे से निचोड़ लेना है। आपको ये प्रोसेस है जो धीरे धीरे करना है। पहले पहले आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट लगेगा और फिर अगर बनाते जाएंगे तो आपको इजी लगने लगेगा। ये देखिए, सारा मैंने पानी इसमें से निचोड़ दिया है और उसमें हमें ये फिलिंग कर देनी है। आपको ब्रेड के सेंटर में ये हमारी फिलिंग रखनी है और उसको चारों तरफ से बंद कर देना है। ये देखिए, जैसे मैं कर रही हूँ ऐसे कर अब हमें ये देखिए इसको प्रेस करना है, ऐसे राउंड राउंड शेप में। ज़्यादा नहीं दबाना पर कम भी नहीं दबाना, आपको पता लग जाएगा। ये देखिए, आपको ऐसे करना है और ये हमारा जो ब्रेड है राउंड शेप में आ जाएगा और हमारी फीलिंग भी बाहर नहीं निकलेगी। ये देखिए, इसी तरह से हमने दूसरा भी आपको बनाकर दिखाया है। ये देखिए, पहले ब्रेड के 4 साइड जो पानी लगा लीजिए, फिर सेंटर में, और फिर उसको निचोड़ दीजिए दोनों हाथों से धीरे धीरे। ये देखिए, उसके बाद सेम हमने सेंटर में फीलिंग रख कर इसको अच्छे से प्रेस कर देना है। इसके चारों ओर से अच्छे से प्रेस करें तो हमारा मसाला है जो वो कभी नहीं निकलेगा। ये देखिए, आपको ऐसे राउंड शेप में इसको ऐसे प्रेस करते जाना है और जो हमारा मसाला है वो नहीं निकलेगा। बस उसके बाद हमें सारे हमारे जो ब्रेड हैं हमने तैयार कर लेने हैं और उसके बाद हमें उसको तल लेना है। आपको पहले जितने हमारे पैन में आ जाए उतने ब्रेड को हमें बना कर रखना है और फिर उनको तल देना है। इससे क्या होगा, जो हमारे ब्रेड में अगर थोड़ा बहुत पानी भी होगा तो वो निकल जाएगा, वो सारा सोख लेगा। और ये देखिए, हमें धीरे धीरे से, बिल्कुल धीरे धीरे से इसको ऑयल में ऐसे छोड़ना है। मैंने ऑयल को पहले ही गर्म होने के लिए रख लिया था। ये देखिए, और ये आपको धीरे धीरे से हिलाते जाना है और देखते रहना है। ये हमारे ब्रेड बनकर तैयार हो जाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को लाइक शेयर ज़रूर करना और हमारी ऐसी ही न्यू रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू गाइस। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I